हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल फेमस रेसिपी लाई हूँ, राजमा चावल। ये मैं ढाबा स्टाइल में बनाऊंगी और राजमा चावल लगभग सभी को बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो फिर अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा। ये बिना कोई देर किए हम लोग फटाफट बनाते हैं राजमा। राजमा के लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम राजमा लिया था, जिसको 7-8 घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। फिर साफ करके मैंने इसको प्रेशर कुकर में 5-6 सीटी मैंने ले लिया। इसको मैंने पहले ही रेडी कर लिया। ये देखिए, यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। 1 चम्मच मैंने सौंफ लिया है, 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है, 2-3 इलायची बड़ी, छोटी इलायची, दालचीनी, लाल मिर्च और काली मिर्च के दाने। मसाला बनाया है जिसमें मैंने 1/2 चम्मच छोला मसाला और 1/2 चम्मच ये गरम मसाला है मेरा। और ये मेरा पेस्ट है जिसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने बनाया है। ये 1/2 चम्मच हल्दी है, ये 1 चम्मच धनिया पाउडर है, ये टमाटर प्यूरी है। मैंने 3 छोटे साइज के टमाटर लिए थे जिसको मैंने बॉईल करके बनाया। ये टमाटर प्यूरी मैंने बॉईल बनाया और ये 3 मैंने छोटे साइज के प्याज के पेस्ट बना लिया है। और ये है नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर भी है, स्वाद के अनुसार लीजिए आप। अब इन सभी खड़े मसालों को मैं पीसूंगी और ये जो खड़े मसाले हैं इसमें मैं कुछ मसाले बचा लूंगी, सबको नहीं पीसूंगी। और इनका मुझे पेस्ट बनाना है, मिक्सर में मैं इसको पीस लूंगी। ये देखिए, सौंफ मैंने 1 चम्मच लिया था। मसाले पीस के डालने से टेस्ट बिल्कुल यूनिक, अलग ही हटके आता है, क्योंकि उसमें ताजे मसालों की बात ही कुछ अलग होती है। आप चाहो तो उसको सिलबट्टे पे भी पीस के डाल सकते हो। ये देखिए, मैं जार में सभी मसाले डाल दिए हैं खड़े, और इसको मैं पीस लूंगी। पीस के बनाने से टेस्ट तो अच्छा आता ही है, तो आप चाहो तो सिलबट्टे पीसो से टेस्ट और भी अच्छा आता है। मैं नहीं पीस पाती तो मैं इसमें पीस रही हूँ। तो मैं इसको पीसने के लिए रेडी कर ली हूँ। और इधर मैं भगोने में ऑयल भी डाल देती हूँ अपने गर्म होने के लिए। तो यहाँ मैंने 5 चम्मच ऑयल डाल दिया है, गर्म हो चुका है। और इसमें जो मसाले मैंने खड़े बचाए थे इसको डाल देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें इसको डाल दिया है, इसको थोड़ा चटकने देंगे। खड़े मसाले चटक जाएंगे तो मैं यहाँ पे पिसे हुए पेस्ट डालूंगी प्याज के, और इसे कम से कम मुझे 6-7 मिनट तक इसको भूनना है, जब तक इसका पानी पूरी तरह ना सूख जाए प्याज का। और इसको अब मुझे भूनना है। जब तक मेरे प्याज भून रहे थे तो मैंने तब तक मसाले रेडी कर लिए हैं पीस के। और ये देखिए, मसाले पीस के रेडी हैं और ये बिल्कुल सेम ऐसा हो जाता है सिलबट्टे पे, तो और भी अच्छा ही पिसता है। तो ऐसा ही चाहिए था, इसे टेस्ट बहुत ही यूनिक और अच्छा आएगा। और इधर देखिए, प्याज भी मेरी लगभग भून ही चुकी है। और यहाँ मैं हल्दी डाल देती हूँ 1/2 चम्मच, मिर्च भी डालूंगी मैं 1/2 चम्मच। कर लेंगे 1 मिनट तक हम। यहाँ पे अब टमाटर प्यूरी डाल रही हूँ। टमाटर प्यूरी को मैं अक्सर टमाटर को बॉईल करके ही बनाती हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट तक मैं अच्छी तरह इसको भूनूंगी। अब मैं यहाँ पे मसालों का पेस्ट डालूंगी जिसको मैंने पीस के बनाया था, और इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करके 2-3 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी। और गैस को स्लो ही रखेंगे, नहीं तो मसाले नीचे से पकड़ लेंगे। और इधर मैं इसको भून रही हूँ अच्छी तरह से। और यहाँ पे मैं डालूंगी जो मसाले मैंने बनाए थे, छोला मसाला 1/2 चम्मच मैंने लिया था और गरम मसाला 1/2 चम्मच लिया था, इन दोनों को मिक्स करके मैंने बनाया था, उसको भी मैं यहाँ डाल लूंगी। और ये धनिया पाउडर 1 चम्मच, इसे भी डाल देते हैं। ये छोला मसाला डालने से ये होता है कि ना आपको अमचूर की जरूरत पड़ती है, ना चाट मसाले की जरूरत पड़ती है, और ना किसी और चीज मसाले के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे छोले मसाले डालती हूँ 1/2 चम्मच। इसे भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, छोटे वाले कप से 1/2 कप पानी डाल के इसको अच्छी तरह से भूनते हैं। और फिर इसे हम कवर करके 3-4 मिनट के लिए रख देंगे कि मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा और तेल भी ऊपर आ जाएगा इसके। उसको मैंने रख दिया। 3-4 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, मसाले हमारे भून चुके हैं और तेल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे नमक डालूंगी स्वाद के अनुसार, ये मैंने नमक डाला है स्वाद के अनुसार, और इसे मिक्स कर लेते हैं।
ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और देखिए मसाला लगभग भून चुका है, तेल भी बाहर आ चुके हैं इससे। नमक डालने के बाद फ्रेंड इसको मैं ढक के 1 से 2 मिनट के लिए फिर रख दूंगी पकने के लिए थोड़ा, और तब तक मैं राजमा को रेडी कर लेती हूँ। ये राजमा है, इसको मैं थोड़ा मैश करूँगी, इससे ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी और यमी बनेगी। तो और इसके नीचे देखिए मैंने सारा पानी इसमें आ गया बाउल में, इस पानी को मैं फेंकूंगी नहीं। और ये देखिए इसको मैं मैश कर रही हूँ, पूरी तरह मैश नहीं करना है, बस हल्का मैश करना है, जिससे ग्रेवी गाढ़ी होगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैं देखिए इसको मैश कर रही हूँ और ये मैश हो चुका है, पूरी तरह नहीं किया है, हल्का फुल्का मैंने इसको किया है। अब ये रेडी हैं मसालों के अंदर जाने के लिए, और इधर देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, मसाले रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल भून चुके हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पे मैं गैस को थोड़ा फुल करके 1 मिनट भून लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं इसमें राजमा डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे राजमा डाल दिया है और इसे डालने के बाद अच्छी तरह से इसे खूब मिक्स करेंगे मसालों में। मैं यहाँ इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, फ्रेंड्स ये देखिए मिक्स हो चुका है, और इसे मैं 3 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी गैस स्लो करके पकने के लिए। ये राजमा पानी है, जो राजमा मैंने बॉईल किया था उसका पानी है, ये लगभग 1 कप पानी है, और इसे भी मैं यहाँ डाल देती हूँ। 3 मिनट हो चुके थे तो मैं इसे यहाँ डाल देती हूँ। और इसे मिक्स कर लेते हैं अब। आधा कप पानी और डालूंगी, लगभग अब 1.5 कप पानी मैंने यहाँ डाल दिया है, और इसे मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है, इसे मैं 6 से 7 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ दूंगी। आइए चेक कर लेते हैं, 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए राजमा हमारा बनके रेडी है। आपको ग्रेवी गाढ़ी चाहिए तो आप गैस को फुल करके ग्रेवी गाढ़ी कर सकते हैं। राजमा मेरा बन चुका है बिल्कुल ढाबे स्टाइल में, और मैंने इसके ऊपर हरी धनिया डाल दी है, ये खाने में बहुत यमी टेस्टी होगा। और फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। आप सभी फ्रेंडों को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।